वन अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहता हूँ सारे दोस्तों मित्रों यारों इसको सुन लें कि कुछ ही दिनों में मैं एक ऑडियो गाना विदाउट वीडियो रिलीज करने वाला हूँ अपने YouTube चैनल पे और वो गाना बहुत जबरदस्त है और मुझे उम्मीद है कि बिना वीडियो के भी आप उस गाने को पसंद करेंगे। जैसे कि हमने इंटरनेशनल विलेजर एल्बम में ब्राउन रंग गाना रिलीज किया था ऑडियो और 3 महीने तक उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हमने 3 महीने बाद उसका वीडियो बनाया था। तो कुछ ऐसा इसके साथ भी प्लान करने का मूड है कि गाना बहुत कंटेम्प्रेरी बहुत अर्बन हिप हॉप सॉन्ग है और बड़ा मज़ेदार सॉन्ग है और इसमें मैंने पंजाबी में रैप किया काफ़ी टाइम बाद। तो आई होप आपको गाना पसंद आएगा, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों में गाना आएगा और आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको बहुत पसंद आएगा तो लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे इसका वीडियो बनाने की। ओके सो फीमेल सिंगर और फीमेल सिंगर नहीं है बस सिर्फ वो फीमेल रॉक स्टार। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि यो-यो हनी सिंह का फीमेल वर्जन है वो। बहुत होनहार बहुत मेहनती और बहुत हम्बल। आज भी मतलब आज भी मैं अगर उनको मैसेज करता हूँ इतनी बिजी रहती हूँ मैं मैसेज करता हूँ कि मैंने लाइन लिखी है कि आप इसको गा दोगे तो वो ये वेट नहीं करती कि मैं कल स्टूडियो जाऊँगी तो गा दूंगी। वो फोन से गा के मुझे फटक से भेजती हैं क्योंकि उनको पता है कि एक आर्टिस्ट अगर किसी गाने पे काम कर रहा है अगर उसको ऑन द स्पॉट वो वोकल मिल जाए तो वो गाना वो ट्रैक कितना अच्छा बन सकता है तो उस चीज़ को टेक्निकली समझती हैं। बहुत अच्छी म्यूजिकल फैमिली से हैं, भाई बहुत कमाल है और सब लोग बड़ी सिस्टर बहुत कमाल है। वन एंड ओनली नेहा कक्कड़ बेबी सो ये गाना मैं चलाना चाहूंगा फॉर डेडिकेटेड टू नेहा। हमारा गाना जल्दी आने वाला नेहा जो हरी सिंह फीचरिंग नेहा वेरी सून। जो हरी सिंह फीचरिंग नेहा कक्कड़ गाना कम सून वेरी सून। लॉकडाउन खत्म हो हम लोग इसको बाहर के एक बहुत बेहतरीन मुल्क में शूट करने का प्लान कर रहे थे। डेट्स ऑलमोस्ट लॉक हो गई थी, रेकी हो गई थी, प्रोडक्शन हो गई थी, बस सिर्फ हमें फ्लाई करना था, गाना शूट करना था। तो गाने का नाम है संयम, मार्क कर लीजिए नेहा कक्कड़ योयो हनी सिंह कमिंग विद द सॉन्ग संयम। सब कुछ बढ़िया हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए, लॉकडाउन खुले, हम फट से इसको शूट करेंगे और झट से आपके पास लेकर आएंगे।